सो ही गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है गाइस आप सभी का पोकेमोन यूनाइट की ब्रांड न्यू वीडियो में। और गाइस आज हम खेलने वाले हैं डेलफॉक्सी से, जो के है पोकेमोन यूनाइट का ब्रांड न्यू पोकेमोन। भाई हाँ, पोकेमोन यूनाइट में एक नया पोकेमोन आया जिसके साथ आज हम खेलने वाले हैं, और इस पर बिल्ड यूज करेंगे हम जो आप लोगों ने बताया मुझे। मतलब काफ़ी सारे लोग मुझे एक बिल्ड रिकमेंड कर रहे थे, और पता है वो कौन सा बिल्ड है? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ वो कौन सा बिल्ड है, अटैक वेट क्लॉ और स्कूप लेंसेस। हाँ, काफ़ी सारे लोग मुझे ये बिल्ड यूज़ करने के लिए बोल रहे थे, और मुझे पता है ये एकदम रॉन्ग बिल्ड है। अब जैसे सही लगता हो तो वही लगता हो, लेकिन ये एक स्पेशल अटैकर पोकेमोन है जिसके लिए ये बिल्ड एकदम रॉन्ग है। तो मैं तुम्हें एकदम इसका सही बिल्ड बताने वाला हूँ, जिसकी मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्टें आ रही थी। तो इस वाली वीडियो में तुम्हें इसका मैं बिल्ड बताऊँगा। तो यार इस वाले पोकेमोन के लिए जो सबसे ज़्यादा सही बिल्ड होगा मेरे हिसाब से वो है चॉइस वाइस और बॉडी बैरियर। यही इसका सबसे ज़्यादा सही बिल्ड है जिसका मैंने यूज़ किया था, जो कि मैं इस गेम प्ले में तुम्हें दिखाने वाला हूँ, जो कि आगे तुम लोग गेम प्ले देखोगे और ये गेम स्टार्ट हो रही है। तो अभी काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं क्यों बॉडी बैरियर के यूज़ कर रहा हूँ जब वो आइटम नर्फ हो चुका है। भाई क्यों एंजर, क्यों आखिर, क्या ज़रूरत है बॉडी बैरियर की? इससे बेटर है अटैक वेट लगा लेना। तो देखो यार, नहीं बॉडी बैरियर की ज़रूरत है एक्चुअली में। तुम्हें ना पता हो तो जो हमारी फैनिकन है मतलब डेलफॉक्सी, इसका यूनाइट मूव काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आता है। मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ है यार, अभी तक मैंने जितने पोकेमोन देखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा फास्ट आ रहा है इसका यूनाइट मूव। तो तुम लोग एक गेम में एटलीस्ट इसके यूनाइट मूव का यूज़ 4 से 5 बार आराम से कर सकते हो। अगर तुम जंगलर करो, या तो तुम जंगल लो या तो फिर तुम जल्दी से लेवल अप करो किसी भी तरीके से, क्योंकि जितने जल्दी तुम लेवल 9 के होगे उतने जल्दी तुम्हारा यूनाइट मूव आएगा और उतने बार तुम उसका यूज़ कर पाओगे। बेसिकली सीधी सी बात है। तो यहाँ पर देखो, मुझे जंगलिंग करना था जिससे मैं जल्दी से यूनाइट मूव ला पाऊँ अपना, और मैं एक्चुअली मैं रैंडम के साथ में खेल रहा हूँ ना, तो जंगल मुझे मिलना पूरी तरीके से तो मुश्किल है। तो मैंने यहाँ पर कोई बात नहीं जितना कर लिया, पर मैं लेवल 5 का नहीं हो पाया, लेकिन मेरे बफ्स हैं तो मैं उनका यूज़ करूँगा और टॉप जाकर ना इन सबकी वाट लगा कर अपना लेवल अप करूँगा। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे किल्स वगैरह मिल गए जिससे मेरा अच्छा खासा लेवल अप हो गया था। और देखो मैंने आराम से इन्हें मार दिया। और एक और बात गाइस, ये वाला पोकेमोन बहुत ज़्यादा स्क्विशी है, तो इस चीज़ का याद रखना। ये भले ही अटैक में काफ़ी ज़्यादा सही है लेकिन स्क्विशी भी है। तो यार सोचो, तुम यार 5 बार अगर यूनाइट मूव का यूज़ कर रहे हो हर एक फाइट में, तो तब तुम्हें ना शील्ड मिलेगी, वो भी तुम्हें किसी की शील्ड के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास ब्लीसी नहीं है, अगर तुम्हारे पास में कोई और पोकेमोन है नहीं तुम्हें शील्ड देने वाला, तो तुम्हें लिटरली किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पास अगर यूनाइट है तो तुम आराम से खुद की शील्ड के बल पर जिंदा रह सकते हो। अब यार तुम्हें ये बात लग रही होगी बॉडी बैरियर तो नर्फ है, लेकिन एक्चुअली में देखो पहले 600 थी उसकी HP, बट अब आई थिंक 450 है, तो फिर भी ठीक है। मतलब थोड़ा सा गया है, मुझे पता है थोड़ा नहीं बहुत गया, बट फिर भी एटलीस्ट तुम्हें अगर 1 HP भी मिल रही ना, तो अगर फाइट में तुम्हें 1 HP मिलती है तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम 1 HP से बच भी जाते हैं और सामने वाले को मार भी देते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारे पास में डिफेंस हो। तो मेरे हिसाब से ना रेड बैंड भी एक्चुअली में इसके ऊपर सही है, बट देखो रेड बैंड भी ऐसी है ना, फोकस बैंड जिसे तुम कहते होगे, फोकस बैंड तुम्हारे काम में शुरुआत में बहुत ज़्यादा आएगी। लेकिन मेरे ख्याल से ना जब फाइट्स होती हैं तो फोकस बैंड भी उतनी ज़्यादा मेरे हिसाब से सही नहीं है। मतलब सही तो है बट पूरी तरीके से नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। मुझे लग रहा था कि फोकस बैंड से बेटर होगा इसके ऊपर बॉडी बैरियर, अब क्योंकि इसका यूनाइट मूव बार बार आ रहा है और मैं चाहूँ तो हर एक फाइट में बार बार अपना यूनाइट स्पैम कर सकता हूँ, और जितने बार मैं स्पैम करूँगा उतने बार मुझे यूनाइट मूव से मेरा शील्ड मिलेगा। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर बॉडी बैरियर डालने का फैसला किया। और अगर तुम लोग चाहो तो ना इसके ऊपर ट्रिपल ग्लासेस जैसी चीज़ों को डाल सकते हो, ट्रिपल ग्लासेस या तो फोकस बैंड, ऐसे आइटम्स भी इसके ऊपर काफ़ी सही होंगे, बट मेरे हिसाब से बॉडी बैरियर बेस्ट है। तो अभी तुम फिलहाल मैंने बॉडी बैरियर ही का ही यूज़ किया, और देखो मेरा लेवल 9 होने ही वाला है। जैप फाइट के पहले मेरा लेवल 9 होने वाला था, मैंने कैसे भी कर लेवल अप कर लिया था मार पीट कर, और यहाँ पर बस मुझे एक बंदे को मारना था और मुझे यहाँ पर 4 मिलियन मिल गया। और देखो मेरा लेवल 9 हो चुका है। अब मैं सीधे जाने वाला हूँ ड्रैग नौ के लिए, और यहाँ पर हमारी टीम का लुकारियो समझदार है, वो पहले से ही ले रहा था, तो मैंने उसकी हेल्प कर दी थोड़ी। और यहाँ पर देखो मैं आराम से क्लियर कर सकता हूँ, और यहाँ पर जैरोरा भी आने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ हमने पहले ही क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर मैंने यूनाइट मूव तुरंत चला दिया था, और देखो मुझे तुरंत ही शील्ड मिल गई और मेरी HP भर चुकी है, जिससे मैं आगे भी फाइट ले सकता हूँ। और यहाँ पर ना मेरे मरने का कोई सवाल ही नहीं आता है। ये देखो यहाँ पर मैंने 2 किल्स आराम से ले लिए हैं ईजी। और यहाँ पर अब हम करेंगे 40 का गोल, और मैं ऊपर नहीं जाने वाला अब,
क्योंकि ऑलरेडी ऊपर सिल्वियन और स्लोब्रो ने पहले ही रोटम को ले लिया था, तो यहाँ पर मैं नीचे रहकर काफ़ी ज़्यादा गोल कर सकता था और चाहूँ तो आराम से गोल करने के बाद मैं आगे भी पुश कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे किल्स भी मिल रहे हैं, मेरा लेवल अप भी हो रहा है और देखो मेरा गेम में लेवल 11 हो चुका है। मतलब मैंने अभी दूसरे बार जंगल भी नहीं किया और मुझे एक्चुअली में यहाँ पर याद भी नहीं था कि मुझे जंगल भी करना है। और अब इसे मारते हैं। ओ भाई मेरा लुकारियो किल खा गया, मैं चाहता तो उसे मार देता लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं गोल करूँगा। ओ भाई माचेम पारा बाबा, यहाँ से निकलना होगा लेकिन हम माचेम को यहाँ पर घुमा देंगे। और मेरे पास देखो यूनाइट भी आ चुका है, चाहूँ तो मैं यहाँ पर चला सकता हूँ लेकिन मुझे लग रहा था ना माचेम को बिना यूनाइट के हम लोग मारेंगे। और यहाँ पर लेकिन एप्सोल ने पहले ही उसे मार दिया और यहाँ पर ये एक और पोकेमोन था जिसे मैंने ख़त्म कर दिया, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा सही शॉट किल्स मिल चुके हैं। और अब जाने वाली है नीचे एक और ड्रैड की फाइट होने वाली है, लेकिन उससे पहले ना मैं यहाँ पर बेस से आ जाऊँगा, लेकिन अभी शायद मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके, पहले इसे ज़ैरा को मारते हैं, ये ज़ैरा ऊपर से भागने की कोशिश। ओ भाई दूर होना पड़ेगा। लो मैंने यूनाइट मूव मार दिया जिससे मुझे देखो शील्ड मिली, एचपी मिली। अब जितनी भी एचपी मिली है मतलब ठीक है, काम चला लेंगे भाई, पहले जितनी तो मिल नहीं रही लेकिन इट इज़ ओके। तो यहाँ पर मुझे अच्छी खासी एक शील्ड मिल गई थी और अब जाकर मैं यहाँ पर बॉटम में ले सकता हूँ ड्रैगनो को। और यहाँ पर पहले हम बेस से आ जाते हैं क्योंकि हमारी हेल्थ बहुत ही ज़रा कम है। और हमेशा यार एक चीज़ याद रखना, काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसा करते हैं कि वो जाकर कहीं पर भी फाइट्स के बीच में रिकॉल करने लगते हैं बेस की तरफ, तो ऐसा मत किया करना, घास में छुप जाओ और वहाँ जाकर बेस में जाओ, ये काफ़ी ज़्यादा सही है। और अब जाकर मैं अपना जंगल करने वाला हूँ दूसरी बार और आराम से कर लेते हैं अपना जंगल, मेरा लेवल भी होने वाला है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि ड्रैगनो आ चुका है लेकिन मैं नहीं गया, मैंने बोला कौन जाए, ये लोग जा सकते हैं, मैं आराम से यहाँ पर अपना जंगल करूँगा। मुझे लगा था लुकारियो वगैरह ले लेगा लेकिन वो लोग अभी नहीं गए, लेकिन हम फिर से जाएंगे और आराम से ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आराम से अपने जंगल को ले लिया, अब चलते हैं बॉटम की तरफ। और मेरा यूनाइट देखो एक बार फिर से आ चुका है, अभी तक मैंने ऑलरेडी 2 बार यूज़ कर लिया अपने यूनाइट का और मैं ये तीसरी बार कर सकता हूँ, मेरा तीसरी बार आ गया है। और अभी देखो 4 मिनट बचे हुए हैं तो मैं 2 बार और आराम से कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं माचेम को ईजिली मार दूंगा, ये देखो माचेम जैसे पोकेमोन को मैंने कितना ईजिली मार दिया। और लिटरली यार इसका डैमेज ना काफ़ी ज़्यादा सही है, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे उन्हें ये पोकेमोन पसंद नहीं आई, बट यार मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सही लगी। मतलब यार तुम स्टन भी कर सकते हो, यूनाइट मूव्स भी हैं तुम्हारे पास, डैमेज भी है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार एक पोकेमोन में। तो यहाँ पर अब हम लोग ऊपर जाने वाले हैं और ऊपर जाकर मैं यूनाइट मूव का यूज़ कर सकता हूँ। वैसे तो मुझे एक बार कर देना था ऑलरेडी लेकिन मैंने पता नहीं क्यों नहीं किया भाई, मैं सोच रहा था मैं कर दूँ, अभी तक अगर मैं कर देता ना तो हो सकता है मेरा दूसरे बार 80% हो भी गया होता और मैं आराम से उसका यूज़ कर सकता था। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं एक बार फिर से। ओ भाई यूनाइट मूव की क्या जरूरत थी सिंडी, इतना डेस्परेट था। तो चलो यार यहाँ पर हमारे गोल्स हो सकते हैं, यहाँ पर ये 40 का डाल रहा है गोल, चलो इसे डाल लेने देते हैं, ये मुझे 50 का नहीं करने देगा। तो मैं यहाँ पर अपने यूनाइट मूव का यूज़ करूँगा क्योंकि सिल्वियन ने ऑलरेडी कर दिया है। और यहाँ देखो भाई साहब क्या ही डैमेज आया है, भाई क्या ही डैमेज आया। और देखो जैसे ही मैंने यूनाइट मूव का यूज़ किया मेरा अभी 10% हो भी गया, बापरे काफ़ी ज़्यादा तेज है इसका यूनाइट मूव, ये देखो 20% भी होने वाला है। मतलब अभी तक अगर मैं थोड़ी सी भी फार्मिंग करूँ ना तो मेरे यूनाइट इतना तेज़ी के साथ में आएगा। और यहाँ पर अभी 2 मिनट बचे हुए हैं जैप फाइट आने के, 2 मिनट भी नहीं यार 45 सेकंड, मैं 2 मिनट की बोला, 2 मिनट होने में 45 सेकंड्स बचे हैं, मुझे ऐसा बोलना चाहिए। और मेरा 50% से ज़्यादा आ चुका है यूनाइट मूव, ये देखो भाई कितना इंसेन है यार। आई थिंक ना फ्यूचर में इसे नर्फ भी करेंगे, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना फ्यूचर में ये मूव नर्फ होने वाला है। यहाँ पर सिल्वियन मेरे से भाग रही थी और मैंने सोचा क्यों ना इसे मार ही देते हैं, ये देखो मैं ईजिली यार इनका जंगल कर रहा हूँ, ईजिली मैंने बजा सकता हूँ, ये देखो मेरा यूनाइट मूव लिटरली आने वाला है, मतलब 45 सेकंड्स के अंदर मेरा यूनाइट मूव आ गया, ये सच में इंसेन रेट है भाई, इतना ज़्यादा तेज़ी के साथ में। आई डोंट थिंक सो कि अभी तक कोई पोकेमोन था जिसका यूनाइट इतना ज़्यादा तेज़ी के साथ में आ रहा था। और मेरा यूनाइट आ भी चुका है, देखो टाइम भी नहीं हुआ था। तो अब चाहूँ ना मैं एक बार मैं यही यूज़ करने वाला हूँ भाई, मैं मरने वाला था और मैं मरना बिल्कुल नहीं पसंद करता यार, मतलब मुझे मरना पसंद नहीं है। और यहाँ पर देखो ज़ैरा और वो हम खा गए लिटरली यार, मैं बच गया, मुझे लग रहा था मैं ख़त्म हूँ। और मैंने जैसे ही यूनाइट मूव का यूज़ किया मेरा फिर से 15% हो गया, देख रहे हो भाई कितना इंसेन रेट है ये। और यहाँ पर अब जैप के लिए फाइट हो रही थी और मैंने सोचा क्यों ना मैं स्टील करूँ, तो यहाँ पर हम लोग स्टील कर सकते थे लेकिन मैं सेंट्रेज पर भरोसा नहीं कर रहा था और मैंने सोचा क्यों ना हम ही स्टील कर ले, और हमने स्टील कर लिया इजीली भाई, हम सब कुछ कर लेंगे। अभी यहाँ पर बारी है गोल करने की, मेरा 52% फिर से हो गया, आई थिंक 55, ओ भाई मैं काउंटडाउन तक नहीं कर पा रहा, इतना ज़्यादा तेज़ आ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा तेज़ है। माचेम देखो मुझे यहाँ पर मारने आ रहा था लेकिन उससे पहले मैंने इसे ही लपेट दिया
मजा भी सोच रहा हूँ भाई क्या चीज है ये सच में यार। यहाँ पर मैं सोचा नीचे से एक पोकेमोन आएगा तो वो मुझे रोक नहीं सकता, और यहाँ पर मैंने इसलिए अपने मूव का यूज किया था। और यहाँ पर अब हम लोग ऑलमोस्ट यार एंड ही कर दिया हमने। अब यहाँ पर हम लोग और किल्स वगैरह ले सकते हैं, अपने किल्स बढ़ा सकते हैं। और मेरा यूनाइट एक बार फिर से आ चुका है, ये आई थिंक फिफ्थ बार है ना, हाँ पांचवी बार मेरा यूनाइट आ रहा है। मैं चाह रहा था 6 बार अपने यूनाइट मूव का यूज कर सकता था बट मैंने किया नहीं। तो यहाँ पर एक बार फिर से अपने यूनाइट को चलाते हैं भाई, खत्म करते हैं सबको। ये देखो भाई इनसेन गाइस, इनसेन कूल। आई थिंक मेरे काफी ज्यादा सही किल्स हो चुके होंगे ना, आई डोंट नो मेरे कितने किल्स हो गए मुझे नहीं पता जितने भी हुए हैं। यहाँ पर पहले ज़ेरोरा को खत्म कर देते हैं, ज़ेरोरा से निकल गया, मुझे लगा यहाँ झाड़ियों में छुपा होगा, लेकिन ज़ेरोरा तो ये रहा। ओ भाई ये देखो ये लुकारी, ओ भाई अब मैं मरने वाला हूँ भाई, अब मैं मरने वाला हूँ मुझे लग रहा। ओ भाई साहब भागा भागा, ओ पकड़ गया क्रेजी एक्चुअली में फायर स्पिन क्रेजी है भाई, तुम्हें भागने नहीं देगा। ये मूव मुझे सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा भाई, बहुत ज़्यादा सही मूव है। और यहाँ पर हम लोगों ने सबकी वाट लगा दी, हम लोग जीत चुके हैं गाइस। यहाँ पर आई थिंक मार दूँ, मैं से मार दूँ, कम ऑन वन मोर किल कम ऑन नाइस। तो बाय द वे गाइस हमने काफ़ी ज़्यादा सही किया इस मैच में, आई थिंक हमारे किल्स काफ़ी ज़्यादा सही सॉल्ट हो चुके हैं और हम मरे नहीं ना इस पूरे गेम में। आई डोंट थिंक सो कि मैं एक भी बार मरा हूँ, शायद एक बार मुझे नहीं पता। और बाय द वे गाइस यहाँ पर MVP हमें मिला 262 गोल्स, और हमने डैमेज देखना है कितने, हमने 19 किल किए हैं और डैमेज दिया है ऑलमोस्ट 1 लाख का भाई, लिटरली सिर्फ 2 ग्लासेस और बड़ी बैरियर के बाद 1 लाख का डैमेज। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो।